अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में निकाली गई रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों में झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने चांटे मारे। एक बार देखिए किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों और अधिकारियों के बीच क्या हो रहा है। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने इन दोनों अधिकारियों से भी बदसलूकी की और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा की चोटी खींचने के साथ साथ उनकी कमर में लात मारी। इस सारी घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हो गए हैं। हालांकि डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने बताया कि हमने कोई हाथापाई नहीं की है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, आज का दिन लोकतंत्र के सबसे काले दिनों में गिना जाएगा। आज राजगढ़ में डिप्टी कलेक्टर साहिबा ने जिस बेशर्मी से सीए के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को लताड़ा, घसीटा और चांटे मारे, उसकी निंदा मैं शब्दों में नहीं कर सकता। क्या उन्हें प्रदर्शनकारियों को पीटने का आदेश मिला था? अब इस अधिकारी के इस रवैये पर लगातार राजनीति हो रही है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।